पाने से लिए बहुत मुक्ति के मार्ग जो खुली जाती है और बताते हैं कि यही विधि जग हरि अर्षित रहिए यद्यपि असत्य देश दुख भइए। बताते हैं कि भगवान की कृपा जो बरसती है प्राणी को समझाने के हम खूब प्रयास करते हैं परंतु कई लोगों को समझ में नहीं आता है। पर समझाने के लिए भोले शंकर भगवान पार्वती मैया को बताते हैं, जैसे आप एक स्वप्न देखो रात्रि को और स्वप्न में बड़ा आनंद लो, दुनिया देखो दुनिया घूमो, कभी कभी क्या है समझ में नहीं आता, जब जागो तब पता लगे तो यही सुनता है कहां चल गया। तो इसी बात ही बताते हैं कि अकल जो है तब जागृत होती है जब किसी के ऊपर दुख पड़ जावे ना। बताते हैं लड़ाई चले सर कटे हमारे भी सर कट गए, जल्दी से जगेगा कि सर ना कट गए रे हम दुख जगना, तब बताते हैं ज्ञान जागता है। तो इस तरह से बताते हैं कि जासु कृपायत धर्म मिटे जाई गिरजा सोई कृपालु रघुराई। ये हमारे परमात्मा ऐसे है जब तक उसमें भरोसा नहीं रखियो विश्वास नहीं रखियो तब तक के समझ में ना आई। वैसे तो देखे में क्या है, कल तो मैंने प्रसाद के बारे में बताया, अभी यहाँ देखो पीतल की मूर्ति है, मिट्टी के बना हुआ मूर्ति है, कागज के छापा है, सुंदर सुंदर रंग रंगोली लगा है, परंतु वो रूप नहीं है ये भगवान है। अब इसे दृढ़ करियो उल्टा काम करियो तो उल्टा कराए, सीधा करियो तो भर दे आंगन तेरा हरा भरा कर दे। ऐसे हमारे परमात्मा की कृपा है तभी सारा संसार प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन करते हैं, तभी तुम्हारा हमारा पूजन किया नाम प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े नाम रखे सभी लोग ना, बड़े विभिन्न पद चले सुने भी ने काना बिना पगे के चलने वाला यही मूर्ति है। पर सब और घर के देखता है, यहाँ पे मूर्ति देख रहे हैं आपको देख रहे हैं, आप देखो उनकी आंख में आंख मिलाओ तुम्हें देख रहा है, देखो कहीं से जाते देखो कहीं से बैठा देख लो विजेता करा है। हम लोग यहाँ बैठा हम लोग भी देखते हैं जगह है, जो देख पावे वही देख पावे। अब ऐसे बताते बिनु पगे चले सुने बिनु काना कर बिन कर्म करे बिना ना कर, हाथ बोलते हैं बिना हाथ से सब कार्य कर देते हैं। तुम्हारे घर में भोजन चाहिए ना तुम्हें सवेरे उठाकर भेज देंगे, जाओ काम करो कमा कर लेता ना पैसा, दुकान भेजना खेत के लेता ना, कौन करावे हमारे परमात्मा कराते हैं और कोई नहीं।
यानी जो सुता रहे उसके करा दे, नहीं नहीं, जो जागा उन्हीं के कराते हैं, जो जाग सके तो जाग, अभी जाग। आओ बताते क्या, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बखता बड़े भो योगी। बताते हैं कि जो गुड़ भी नहीं बता रहे उनका भी पानी परमात्मा सुन लेते, समझ जाते हैं जो क्या मांगते हैं। तू आकर इस हाथ जो भी कहीं खड़ा हो जाओ, उतरे अंदर के पास सब पढ़ लेते हैं। अब जैसे हम लोग इंग्लिश में एक बात होते हैं टेलीपैथी, कभी की परवाह करी करो तो सोचा रहा उधर टूरिंग कर दिया, अरे अब भी तो आ रहे हम लोग बात करते रहे हैं कि टूरिंग कर दिया हमें, ये क्या है भगवान संस्था दे देते वहां जाकर टेलीपैथी बोलते हैं। तो ये भांति भगवान भी सुनते हैं, बताते हैं, बोलते हैं आपसे, केवल आप अपना कान नहीं खोलते हो, अपना मन को दरवाजा नहीं खोलते हो। अब यही विधि क्या बताते हैं कि जही इमी गावे वेद बुद्ध, वेद और बुद्धवान लोग गुणगान वन लोग जो गाते हैं, अब वही बस भगवान के ऊपर ध्यान धरे रहते हैं। और बताते हैं कि सोई दशरथ युद्ध भक्त और कौशल पति भगवान के बारे में इस तरह से कथा जो है रामायण महारानी के माध्यम से श्रवण कराते रहते हैं। और मेरे बंधुगण ने रामायण महारानी के माध्यम से बताते हैं कि अब देवी मैया बताते हैं जो प्रथम मैं पूछा, बताते हैं कि प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो जो मुंह पर प्रसन्न प्रभु हो। अब पूछते क्या है कि वो राम है कौन, हम उसके ज्ञान कराओ कहां पे जन्म लिए। वे राम ब्रह्म चित्तमय अविनाशी सर्व रहित उरे सब पूरे पुरवासी, और नाथ धरे नर्तन के ही हेतु, यही कारण नर्तन धरे हैं। गौरी मैया पूछ रही पार्वती मैया भगवान से कि नाथ धरे नर्तन के ही हेतु मुहे समझाओ कहो वृष केतु। बताते मुझे अब सब समझा कर कथा बताओ कि क्यों हमारे परमात्मा ने नर्तन धर करके बड़बड़ क्यों भटके हैं सीता माता के वियोग में। वो तो चाहते तो सब एक ही आंख बोलता तो रावण खत्म हो जाता है। और हमारे एक परमात्मा केवल देखना ख्याल करना है। नारायण भगवान का अलग अलग अवतार हुआ है, 24 अवतार होता है, बस 10 अवतार हम ज्यादा ढूंढ करते हैं, परंतु हमारे परमात्मा जो प्रभु नारायण रूपी राम जी बने हैं सबसे ज्यादा कष्ट रहे हैं अपने भक्तों के लिए। अब नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी मैया चरण दबा रहे हैं, सब कुछ मांगे है ना, समुद्र किनारे जाओ आनंद ले हो। ठीक है, कृष्णा जी नटखट जिसके घर जाए चोरी के लिए खाए के नहीं तो टूट के ले आवे, कोई गोपी के संगी उल्टा सीधा बताए भरवाए के लिए इधर उधर चला जाए 108। तो ऐसे हमारे प्रभु नंगे पैर बन बन भटके, ऐसा आपके बता दो यहाँ से पैदल जाओ मोटर के लगे बिना मोजा पहने पत्थर गली कंकड़ गली। हमारे परमात्मा मानव के लिए कैसे तपते हैं, और यही बताते हैं कि ये हर से कमार तब शंकर सहज सुजान बहु विधि उमो प्रशंसा पुनी बोले कृपा निधान सियावर रामचंद्र की जय। अब क्या है भोले शंकर भगवान कथा जो है प्रारंभ करते हैं, और क्या बताते हैं कि गिरिजा मैया के साथ में सुनो गिरिजा हरि चरित्र सुहाए आगे कर गए। सीताराम 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 कहिए जाही मिली राके राम जाही मिली कहिए। सीताराम 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 कहिए जाही मिली राके राम जाही मिली कहिए। सीताराम 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 कहिए जाही मिली राके राम जाही I'm not going to be able to do that.
दिव्य सजनों, जैसे आप जानते हैं कि रामायण रामनवमी के समय में जो महान पर्व हमारा चल रहा है, जैसे राम जी का जन्म होता है, कई भी लोग अंधकार में होते हैं, अंधेरे में आते हैं, प्रकाशमय में होते हैं, जिनको पता नहीं है राम कौन है, कहां से आए हैं, वो रामायण पढ़ पढ़ के पता नहीं पा पाते हैं, पर रामनवमी में जब आते हैं तो पता लग जाता है प्रभु श्री रामचंद्र जी किस कारण आए थे। और तुलसीदास जी यही चरित्र जो है सुनाते हैं कि राम जन्म किस कारण हुआ है। और एक हमारे जितने भी धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं सभी में सवाल के ऊपर है निर्धारित कि हमारा भी जीवन में अकेले में बैठ जाए, घर में बात करते हैं तो बोलते हैं हम कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने के लिए आए थे, कब आए थे, कैसे आए थे, ये सब सवाल जो है हमारे हमेशा मन में भ्रमण करते रहते हैं। तो इस तरह से देवी मैया पार्वती जगत जननी सब कुछ जानने वाली है जो, अब वही भोले शंकर भगवान के साथ में बैठकर अब जब अच्छे समय देखते हैं, सुख अवसर देखते हैं, तब वार्ता करना प्रारंभ करते हैं कि जिसका तू जाप कर रहे हो कौन है, कहां से आए, क्यों। अब आधा कथा तो बता दिए, कुछ कुछ सुना है, कुछ कुछ ध्यान से पता लगता है, तो भोले शंकर भगवान बताना प्रारंभ करते हैं कि सुनो गिरिजा हरि चरित्र सुहाए, विपुल विशद निग मागम गाए, हरि अवतार हे तुझे होई, इति मिथै कही जाए न सोई। एक लाइन में दो लाइन में मैं बता नहीं सकता हूँ, ये मेरे लिए भी भगवान का अवतार हुआ है कि मैं आऊंगा जीवन में,
आपके लिए भी हुआ है, आप लोगों के लिए भी हुआ भगवान के अवतार, कि जब तक हमारे राम जी हैं तब तक आप अपने जीवन में आकर अपने आंखों से दर्शन कर लो परमात्मा को, क्योंकि हमारा कर्म में कुछ था अच्छा तो आज हम यहाँ बैठे हैं भगवान का चरित्र सुनने के लिए, देखने के लिए। तो भगवान इस कारण भी आए। अब ऐसे नहीं केवल सबरी मैया के लिए, हनुमान जी तारने के लिए, सुग्रीव को तारने के लिए, अंगद के तारने के लिए, और जितने भी और आए केवट को तारने के लिए, इधर अहिल्या माई को तारने के लिए, सबरी मैया को, अनुसुईया माता को दर्शन देने के लिए, ये सब बातें नहीं है। इतने लाइन बताएंगे तो उतने के लिए नहीं, कथा पूरा और ज्यादा है। तो यहाँ भोले शंकर बताते एक लाइन में अगर बता दूं, थोड़े में बता दूं तो उतना में कमी है, पूरा नहीं होगा। तो बताते राम अत क्रिये बुद्धि मन वाणी, मत हमारे अस सुनो भवानी। अपने मति अनुसार बता रहे हैं कि देवी भैया आप कथा जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ये अपने मति अनुसार मैं बता रहा हूँ। और क्या बताते हैं कि तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहिए सुमति अनुमाना, कि अपने अनुमान के भाव से। अभी जैसे अभी यही कथा जो मैं कह रहा हूँ, अभी रामू जी को बताते हैं यहाँ बैठ के करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे नहीं करेंगे, ये अपनी भाषा बताएंगे। अब किस तरह से निकले, जैसे हमारे भोले शंकर भगवान का शिवलिंग है, ठीक है, देख लिया ना गोलाकार होता है, अपने बगल से दूध चढ़ाओ, दूध गिरे अपना बगल तो तुम्हें दिखाई देगा, उधर वाला तुम्हें दिखाई देगा ना, अब उधर से कोई छोड़ेगा तो उसको दिखाई देगा, अब जो दूसरे ओर गया इसको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, जिस ओर से छोड़ो उसी तरह से। तो रामायण में जिस जिस तरह से आप पढ़ोगे, जब जब पढ़ोगे तब तक नया 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 कंत मिलेंगे और नया नया विचार आएगा। तो इसे साधु संत जो है ग्रंथ को इस तरह से बारंबार पढ़ते हैं, और कोई बोले संपूर्ण कर दिया है, रामायण ऐसा नहीं है, संपूर्ण होने वाला है ही नहीं कभी, जो आज का तारीख है वो फिर नहीं लौटेगा, क्या लग रहा, जो कल का तारीख था वो फिर नहीं लौटेगा, आज जो समय मिला है अभी कर लो भगवान की सेवा, ये पता नहीं कल हो या ना हो ना? तो ये बताते हैं कि ये कभी संपूर्ण होने वाला नहीं है जीवन काल में, हमारा जो जन्म मरण का जो है चक्कर चलता रहता है 84 लाख दिन में, फिर हम घूम के आ जाएंगे। तो इस बात ही बताते हैं कि अपने मति अनुसार मैं आपसे कह रहा हूं, और वैसा ही श्रेष्ठ मुख वाली मैं सुनाता हूं कि जो परम गति अच्छा भाव से भगवान का बारे में बातचीत करे तो उसका दमन सुख मुख वाली है, सुख देने वाली मुख, क्योंकि भगवान का नाम उसमें आ गया। अगर जो कटु वचन बोले तो दुख देने वाली बात हो जाना, दुखी मति बताते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारा ज्योतिर्मय पढ़ ली, यहाँ पर बैठे ज्योत जगाने के लिए, कि ज्योति जलता रहे राम नाम का स्मरण में। और कुछ लोग हैं आते हैं दूर से बुझ जाए जल्दी, परंतु बुझने वाला नहीं है भगवान के नाम का ज्योति, ख्याल करना ये चलता रहेगा जीवन भर, सरकार जब तक है तब तक रहेगा। और यहाँ पर बताते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की हानि होने लगे तो क्या है, असुर बढ़िए, अधर्मी बढ़िए, तब जब बढ़े लगे तो अधर्मी, अधर्मी मतलब है धर्म की हानि करने वाले। और हमारे परमात्मा बोले करे अनिति जाई नहीं बरनी। अब जो असुर होते हैं इतने अनिति करते हैं कि मुखार से बता भी नहीं सकते। तो ऐसे बताते हैं कि अभी कली काल में जो हो रहा है रंग बिरंगा काम हो रहा है, आप लोग देख रहे हो अभी क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। और बताते हैं कि सिद्ध ही विप्र धेनु धरनी, बताते हैं कि इनको भी साधु संत जो है गाँव है, और बताते हैं कि जो भगवान का चर्चा करने वाले हैं इनके पीछे चल गया, कहा हुआ जाएगा, चलो मैं बगल में नमड़ा पीछे कर दिया, जब तक वहाँ वही चलेगी प्रसाद क्या कह गए बताया क्यों रामायण में जाता है नमड़ा पीक मौका आ जाए, फिर भी रात तक बैठी हो नमड़ा पीके चर्चा मछली मारे लगा
हम बहुत नहीं बोलो जीवन मछली मारो अच्छा है गई में इंजॉय करो लाइफ पर आगे करो कैसा क्या बोले अरे अनिति जाए नहीं परनी जैसे अनिति है ना जाए नहीं परनी सिद्ध विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हमारे परमात्मा कभी कृष्ण बन के आते हैं अब कभी सत्यनारायण बन जाते हैं कभी विष्णु बन जाते हैं कभी देवसी नारद बन जाते हैं कभी हनुमान बन जाते हैं और कभी शनिग्राम बन जाते हैं और यही कभी राम बन के अवतरित हो जाते हैं और हमारे बताते बोले तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा जैसे सज्जन लोगों का पीड़ा जो है हरने के लिए हमारे परमात्मा नाते हैं पृथ्वी पर और सुर मारे थपई सुर नहीं राखे निज सुति सेतु जग विस्तार रही विसत यस राम जन्म करहे सुसियावर राम जन्म की जय। चलो एक तीसरा हम लोग आज बता देते हैं कि क्यों भगवान आते हैं बड़ा कथा भी और बढ़ाएंगे चले Oh,